इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। असम में उनकी इस यात्रा के दौरान हुई नारेबाजी से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस पार्टी ने इसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमला बताया है। इसके विरोध में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर राजधानी भोपाल में मौन धरना देकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। यह धरना राजधानी भोपाल के जवाहर चौक स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने दिया गया। इस धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पार्षद शबिस्ता आसिफ जकी, सूचना प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन, नंदिनी सिंह मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो विचार थे, जो घोषणाएं थी, जो देश को वादे थे, उन पर देश ने भरोसा किया। देश की समृद्धि की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की इनकम की बात हो, महंगाई की मार की बात हो, न्याय की बात हो, काले धन की बात हो, या इस देश से नशा मुक्ति अभियान की बात हो, बहुत वादे नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग देश से किए और 10 साल बाद देश उससे भयावह स्थिति में पहुंच गया। देश में नफरत और घृणा का एक नया सूत्र भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात किया और देश की समृद्धि और आर्थिक रूप से आम आदमी को सहयोग के बजाय घृणा से जीतने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार करती रही। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली और देश में एक नया वातावरण बनाया, जिससे कि देश में प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जो प्राचीन भारत का अपना एक इतिहास है, जो भगवान राम, कृष्ण और पैगंबर और अंबेडकर की भावना है कि हम सब मिल के रहें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें, देश सबका है, इस भावना को ताकत दी और पूरे देश ने इसको आत्मसात किया। अद्भुत, अकल्पनीय, उसमें आम जनता का सहयोग मिला। फिर भी देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस देश में आज है, 45 साल की। सबसे बड़ा कर्जदार हमारा देश 2,45,000 करोड़ रुपए का, 2,45,000 करोड़ रुपए का आज है। अद्भुत महंगाई है। लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत हनन है। और सबसे बड़ी बात की देश में अन्याय की पराकाष्ठा यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश को भरोसा नहीं हो रहा है, आम जन को भरोसा नहीं हो रहा है। ईवीएम को लेकर देश में प्रश्न चिन्ह बड़ी तादाद में उठ रहे हैं, जगह जगह आंदोलन और कोर्ट में हजारों की तादाद में एप्लीकेशन इसके खिलाफ लगी हुई है। इन सब भावनाओं को देखते हुए सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए राहुल गांधी जी ने 110 जिलों से 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चालू की। वो मणिपुर जिसमें लगभग 150 लोगों के कत्लेआम हो गया और प्रधानमंत्री और सरकार ने एक शब्द भी उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला, न गए। अलोकतांत्रिकता क्या होती है ये देश देखने लगा। हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके का वातावरण विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए होता था, वो व्यवस्था हमारे देश में बनने लगी। आसाम के मुख्यमंत्री ने खुले रूप से धमकी दी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, कि अभी FIR करूंगा और अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, 3 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। आज गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परमिशन मिलती है वहां राहुल गांधी जी की यात्रा को परमिशन दे के कैंसिल कर दी जाती है। पराकाष्ठा कितनी, एक तरफ भगवान राम के मंदिर की मूर्ति की स्थापना की भावना बन रही है, पूरे देश को उस भावना से जोड़ने का प्रयास आम जन का बन रहा है, और दूसरी तरफ एक मंदिर में जाने के लिए राहुल गांधी की परमिशन निरस्त कर दी जा रही है। यह अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है, ये
इस देश के मूल मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अवरोधक पैदा किया जा रहा है, जगह जगह आसाम में हमले करवाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा जाकर हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष पे हमला करते हैं, उनको घायल करते हैं, और राहुल गांधी को लेकर वहां के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं की जो अभद्रता है उसके विरोध में पूरे देश में मौन धरना कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में इस भावना के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ, मुख्यमंत्री आसाम के और उनकी सरकार के व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मौन धरने का आयोजन किया है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक जन से, एक एक पीड़ित से, जिसको न्याय की दरकार है उससे, परिवार के साथी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की माटी से हमारी न्याय यात्रा आएगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आएगी। लड़ाई आपके न्याय की है, आपके अधिकार की है। मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि इस न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में हम सब, आप सब, आपकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी का साथ दें। और मैं मानता हूं जो आसाम में घटना घटी, जो अभद्रता हुई, जो लोकतांत्रिक अव्यवहार हुआ, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं, इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौलिक अधिकारों का और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे, उनका सम्मान करे। देश में ताकत लोकतंत्र की किसी न किसी को किसी न किसी रूप में मिलती और बदलती रहती है। ताकत का नियम है, एक जगह नहीं टिकती है। कानन होने दिया है ना, आगे होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद कराया है, अब लोकतंत्र की रक्षा भी करेगी। धन्यवाद। चल रहा है एक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश, सुजनित चल रही है। यहाँ के युवाओं की बात नहीं हो रही, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है। और आज गांधीवादी तरीके से मौन धरना दिया, एक जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोका, मैं तो आज कहना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं कहना चाहूँगा कि अब गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना युवाओं की बात है। न्याय की यात्रा जो है एक आम व्यक्ति का अधिकार की लड़ाई की है, यात्रा है। इसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, एक आम जन की यात्रा से जोड़ा है। और देश में मेरे को लगता है कि जर्मनी से एक नए हिटलर अब देश में यहाँ आ गए हैं, हिटलर शाही चालू हो रही है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, तो आने वाले समय में लगता है कि ईवीएम से जो डर रहे हैं ये लोग, इस 2024 के बाद ऐसा नहीं कि देश में चुनाव ना हो। मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आम जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि ईवीएम बंद होगी, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, देश का युवा सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आसपास के देश जिस प्रकार से महंगाई में खत्म हो गए, उस प्रकार से देश भी आने वाले समय में यही स्थिति भारत की होने वाली। सोने की चिड़िया की जो बात करते हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा, देश आत्मनिर्भर।